अनर्थ से निर्मुक्त होकर के और मेरे लीलाओं को, मेरे धाम को प्राप्त करें। और विशेष करके जिस समस्त भक्त मुझे दर्शन के लिए प्रबल उत्कंठा वे उत्कंठित होकर के विरह में तड़प रहे हैं, वह भक्त के अनुग्रह यानी कृपा करने के लिए मैं नित्य गोलोक वृंदावन धाम से भी प्रकट होता है। इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ श्रवण किया है। विशेष करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम में जो परित्यक्त भाव और निगुड़ निभृत निकुंज लीला आदि की कथा ये संसार के लोगों के ज्ञात नहीं है, मैं लोग जानते नहीं। विशेष करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं, मो विषय गोपी गणे गोति भावी जोग में करिवेग आपन प्रभाव। मेरे तो जोग में ये सारे मेरे जो उपपदित जो भाव और गोपियों की जो परक्यत्त जो भाव इस समस्त प्रकाश करें। इसलिए कह रहे हैं वैकुंठाद्दि नहीं जे जे लीलार प्रचार शेष लीला करते हैं ये जाते मोर चमत्कार। वैकुंठ आदि में जो लीला लीला प्रकाश नहीं है वो समस्त लीला आदि मैं प्रकट करूँगा। वैकुंठ में कौन सा लीला नहीं है? वैकुंठ में जन्म लीला नहीं है, है वैकुंठ में जन्म लीला नहीं है। और विशेष करके अयोध्या द्वारका मथुरा आदि स्थान परकृत्त भाव है। विशेष करके अपराजित परकीय भाव ये जगत में प्रकट करना है। इस जगत में प्रकट करा करके लाभ क्या है? तो नित्य कुल वृंदावन धाम ही है, जिसका धाम जिससे परीक्षित महाराज भी प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था याद है? ये यदुपति भगवान इस संसार में आते हैं धर्म स्थापन करने के लिए, परित्राण साधन साधना बिना सहाय चलता दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थ संभवामी। विशेष करके वर्णाश्रम धर्म जब उसरों के द्वारा नष्ट हो जाता है, असुर लोग वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करते है? करता है नहीं करता है? असुर जो है वो तो भोग प्रवृत्ति में रहता है, उनके किसी प्रकार वर्ण और आश्रम में उनकी निष्ठा नहीं है। ऐसे तब तो उस समय धीरे धीरे क्या हो जाता है? वर्णाश्रम धर्म
लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और संसार में दुराचारित्व फैल जाता है और धीरे धीरे पशुवत श्रृंगार आदि आ जाता है। अर्थात जीव वर्ण आश्रम धर्म नहीं पालन करने पर पशु क्या, ये मनुष्य क्या हो जाता है, पशु की भांति हो जाता है कि इसलिए वर्णाश्रम धर्म हो पालन करके धीरे धीरे भक्ति मार्ग में प्रवेश करें। वर्णाश्रम अचरतावता पुरुषेन परो पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नन्न तत्व सब कारण। महाप्रभु ने क्या प्रश्न पूछा था, रू कई पर श्लोक साधीर निर्णय राय कई स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। महाप्रभु ने कहा हे राय रमानंद, ये साध्य वस्तु के बारे में पूछो, साध्य वस्तु क्या है, कैसे कम कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम प्राप्ति करें, प्रेम प्रयोजन संबंध अभिधेय और प्रयोजन। कृष्ण प्राप्ति करना ये हम लोग के उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य क्या है, कृष्ण प्रेम। अर्थात जीवों की जो सर्वानुबंधी वृत्ति नित्य शाश्वत विराजमान है, क्या बोला, स्वरूप अनुबंधी वृत्ति, स्वरूपानुबंधी वृत्ति में किसको कहा जाता है, जीव स्वरूप में जो स्वतः रूप में जो वृत्ति क्रिया आदि जो है उसके प्रकाश करना है। जीव जीव स्वयं भूल के अपने स्वरूपानुबंधी वृत्ति में स्वरूप की अनुबंधी वृत्ति, स्वरूपानुबंधी जो भी कहा जाता है स्वरूपानुबंधी वृत्ति है, उसकी प्रकाश करना है। क्यों जी भगवान की भूल करके संसार में भ्रमण कर रहे हैं, और विशेष करके देहात्माभिमान होकर के इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। देह आत्म अभिमान एक यह क्या है, अनर्थ की जड़ कहा जाता है। जितने प्रकार की अनर्थ की जड़ कहा गया है, मूल कहा गया ओरिजिन और मूल अनर्थ क्या है, देहात्म अभिमान। अर्थात इस नश्वर क्षणस्थल शरीर के प्रति हम इतने आसक्ति रखते हैं, शरीर के प्रति आसक्ति है कि नहीं, यही होता है। और जिसके फलस्वरूप इस संसार में हम भ्रमण करते जा रहे हैं, आत्मा की उपलब्धि करने के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, आत्मा उपलब्धि अपना आत्मा की उपलब्धि करो। इसलिए कहते हैं अरे वो आत्मा दृष्ट पर श्रोतव्य निधिध्यासी, अरे वो आत्मा, उस आत्मा के बारे में जानो, श्रवण करो, बार बार श्रवण करो। जैसे कृषि के बारे में जब हम बार बार सुनते हैं तब हृदय में क्या है, उसके बारे में जानने के लिए इच्छा होती है। इसलिए श्रवणाक्क भक्ति बार बार
जितने बार श्रवण करो, कितने बार श्रवण करो, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो तब तक श्रवण करो। यथा शस्य तुषावघाति नाम, जिस प्रकार गेहूं अथवा धान को बार बार कूटने पर उसके आवरण दूर हो जाता है, जब तक धान अथवा गेहूं के आवरण दूर नहीं हो जाए तब तक तो क्या करना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा। धान कूटा को भी नहीं, ऐसे तो बोलो धान दिखाई कि नहीं है, चावल के ऊपर जो कवर होता है उसके धान का जगह, फिर वो धान के जो वो जो हास वो तो चला जाता है, फिर उसके ऊपर एक कुटिन रहता है, आवरण रहता है। फिर उसको क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, मशीन में चावल पॉलिश होते हैं। ये नवद्वीप में हम जितने चावल आता है, वो बाबा जी मान एक मशीन है, उसके छिलकर के फिर अलग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार बद्ध जीव के ऊपर के हैं, एक स्थूल शरीर है, स्थिर स्थूल शरीर तो चला जाता है, पंचभूती शरीर कहा जाता है, और इसके ऊपर क्या है, सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, मन बुद्धि अहंकार चित्त, अनेक प्रकार संस्कार आदि पड़ा हुआ है, कुछ संस्कार आदि है जिसके फलस्वरूप जीव अपने सर्वानुबंधी वृत्ति को प्राप्त नहीं कर नहीं पाते, उसको अनुभव कर नहीं पाते, अनंत गुण जीवन की पाप राशि अथवा पुण्य राशि, पाप पुण्य दोनों ही क्या है, बंधन के कारण भी कहा जाता है। भोगेन त्यागेन, भोग के द्वारा अथवा त्याग के द्वारा ही हम सब बंधे हुए हैं। जिस प्रकार पुण्य आदि कर्म के द्वारा उच्च आदि लोक में, स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं, किस लिए, उसके भोग करने के लिए है। अथवा पाप आदि कर्म के द्वारा वो भी भोग के लिए हम कहाँ चले जाते हैं, नरक भोग करते हैं, है? भोगना पड़ता है पाप अथवा पुण्य है, दोनों ही भोगना पड़ता है, है? आज इसलिए पाप और पुण्य जब तक नष्ट नहीं हो जाए तब तक इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं। साधारण लोग सोचते पुण्य का चाहिए, किंतु कहते हैं न धर्मम ना धर्मम श्रुतिगणम नित्यम की लोग ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या सची सुनानंदी सुनम पति सुतत्ते गुरुगुरम। इसलिए कह रहे हैं धर्म भी करना नहीं है अधर्म भी करना नहीं है, क्योंकि धर्म अधर्म दोनों ही क्या है, बंधन के कारण हो जाता है। स्वर्ग में जाओ वहीं पर भी भोग करना पड़ेगा, लोग सोचते तो अच्छा ही है, और नरक में जाए पाप आदि कर्म के द्वारा जीव नरक में चले जाते हैं, वो भी भोगना पड़ता है, वहाँ पर नरक यंत्रणा होता है, इसलिए कह रहे कि जब तक जीव के हृदय में देहात्मिमान रहेगा तब तक ये समस्त भोगना पड़ता है संसार में। फिर आगे जाकर के सुकृति जब बन जाता है तब साधु संग है, और साधु संग के साथ साधु संग और साधु संग से धीरे धीरे
आत्म तत्व के बारे में उपलब्धि करते हैं, रियलाइजेशन आता है। रियलाइजेशन आया कि नहीं? आत्मा के बारे में कौन जानते हैं? इसलिए करे अरे वो आत्मा दृष्ट वर्षो तब वो निदित है ऐसी, उनके ध्यान करो, अपने आत्मा के बारे में ध्यान करो। आत्मध्यान है, आत्मशुद्धि है, शुद्धि है ना, शुद्धि माने प्यूरिफिकेशन, इंग्लिश बोल रहे हैं। आत्मशुद्धि क्या है? आत्मशुद्धि भूत शुद्धि कहते हैं ना, ना हम विप्र न चनर्भवती न विश्व शूद्र गृहस्थ वर्ण ज्योतिर्वा किंतु परमानंद पूर्ण मताब्दी को विभूतुर पद कमलोर दास अनुदास। इसे कहते हैं भूतशुद्धि व आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि का ओम अपवित्र पवित्रवान सर्वस्तांग विवाह जस मरित पुनरिकाक्षम स वाह्य अभ्यंतरम सूची है। केवल पुंडरीकाक्ष भगवान के नाम ग्रहण करने से ही है, अंतर और बाहर दोनों ही क्या होता है, पवित्र हो जाता है। क्योंकि इतने दिन तो नाम जप कर रहे हैं पुंडरीकाक्ष भगवान के नाम है, किंतु अंतर और बाहर निर्मल नहीं हो रहे हैं, हो रहा है नहीं। कारण क्या है? ना अनेक प्रकार अपराध है, अपराध के फलस्वरूप वो नहीं आ रहा। इसलिए कहते हैं अपराध शाड़ी लय कृष्ण नाम अनली पड़े ही जल। अपराध छोड़ करके जब हम कृष्ण नाम ग्रहण करें तो उस समय चित्त धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। जिस प्रकार अनले पड़े जल, अनन माने अग्नि, जैसे आग में पानी डाल देने से क्या होता है, आग बुझ जाती है, है? ठीक उसी प्रकार भगवत नाम मंत्र आदि ग्रहण करने से है, तब समस्त प्रकार पाप दूर हो जाता है। केवल पाप नहीं, पुण्य भी दूर हो जाता है। आप पुण्य करते हैं ना, कौन सा पुण्य किया है? अग्निष्ठ होम करते हैं। चलो हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं सन कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन में जो मधुर जो लीला है उस लीला को प्रकट कराते हैं, जो गोलोक वृंदावन आदि में नहीं है। गोलोक वृंदावन में कौन सा लीला नहीं है? क्या बोला था? अरे गोलोक वृंदावन में सब लीला है, जो गौण लीला आदि की स्वरूप प्रकाश नहीं है उसी लीला भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसलिए कृष्ण लीला के दो प्रकार की कार है, एक है मुख्य लीला और एक है गौण लीला। मुख्य लीला आदि जो है ये ब्रज पारक्यत्व भाव रास लीला आदि, इसके कहा जाता है मुख्य लीला का है। और गौण लीला क्या है? जन्म आदि असुर मारण आदि लीला है, वो नित्य गोलोक वृंदावन अप्रकट नित्य गोलोक वृंदावन धाम में नहीं, केवल भाव मात्र है। यदि नहीं हो तो भाव मात्र शब्द क्यों कहा? इसलिए कहा गया है जो लीला असंपूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा।
इसलिए कहते हैं भाप मात्र है, है? जैसे ब्रजवासी लोग कहते आज पुतना बहुत है, कृष्ण जन्म लिया और जन्म के 6 दिन के बाद पुतनावध लीला आज, तो उधर पुतना नहीं है क्योंकि वहां पर कोई असुर जा नहीं सकते, जा सकते हैं किंतु प्रकट लीला में यहाँ पर कृष्ण की जितने असुर मारण लीला आदि साक्षात्र में आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कितने असुर लोग आ गए, उतना से लेकर के तृणावर्त, क्या बोले, शकटासुर है, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर है, शकटासुर न, क्या बोले, कितने सुरों से आ गए, सब असुर आ गए, अघासुर सब सुर है। इस असुर के कृष्ण देखते देखते ही पछाड़ गए। प्रकरण में सबसे अंतिम असुर कौन था वृंदावन में, जानते हो, केसी देखता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण केसी दत्त के मारने के पश्चात अक्रूर के रथ पर बैठ करके वृंदावन से मथुरा उठाए, इसलिए ये समस्त लीला आदि भी जगत के दिखा गया। कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और वृंदावन ना जाने कितने सुंदर सुंदर लीला आदि की, जिसमें विशेष करके कालिया दमन लीला और एक लीला गिरिराज गोवर्धन धारण, जिसे कहते हैं इंद्र के मान मर्दन, रासलीला करने के पहले कृष्ण ने ये दो लीला के द्वारा जगत में स्थापित किया, ये रासलीला करने की अधिकारी कौन है, स्वयं भगवान छोड़कर किस अधिकारी है, एकमात्र वर्णन श्याम सुंदर कर सकते, इसलिए ये दो लीला जो है विशेष रूप में दिखाया गया। कौन कौन लीला, कालिय दमन लीला और गिरिराज धारण, ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। दावानल पान भी कर ली, पी लिया ना आग को पी लिया, उस दिन गए थे ना भंडीर बल, कथा सुना है कि नहीं, क्या सुना है? सुना भंडीर बट कौन गए थे, कितना सुंदर था भंडीर बट की लीला, कितनी कथा है। कृष्ण के जितने भी मुख्य लीला ही है सब अधिकांश सब क्या हुए भांडीर वर्ण, इतने सुंदर सुंदर लीला। हाँ किंतु अप्रकट गोल वृंदावन ये सब लीला नहीं है, माने साक्षात रूप में नहीं, केवल भाव मात्र। और प्रकट लीला में असुर आदि भी आ जाते हैं, असुर कैसे आ जाते हैं, स्वयं भगवान कृत योग में आके द्वारा उनको लेकर के आते हैं। असुर सोच रहे मैं वृंदावन जा रहा हूँ, किंतु वास्तव में सत्य नहीं है, उनके भी एक अभिमान पैदा कर देते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक बैलगाड़ी है ना,
बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता सोया हुआ था आज और बैल वो बैलगाड़ी को क्या कर दिए, उसे सारे सामान रख दिया और बैलगाड़ी जब चलना शुरू कर दिया, उसी समय कुत्ता भी चलना शुरू कर दिया है। तो कुत्ता सोचते हैं मैं सब कुछ लेकर के जा रहा हूँ गाड़ी कौन खींच करके ले जा रही है, तो बैल बुलक कार है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार ये असुर भी सोचने लगे है मैं वृंदावन में आ गया कृष्ण के मारने के लिए, तो मार तो नहीं पाएंगे किंतु एक अभिमान लेकर के आ गए है। चलो इसलिए ये समस्त लीला आदि भी जगत में प्रकट करना है, जिसके इसके बारे में तो बहुत कथा हम लोग श्रवण किया है। फिर नौल कुबेर मणिग्रीव की कथा भी सुना है जो स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के रूप में नित्य गोलोक वृंदावन में गोलोक है वह पर सारी कथा को जो है श्रवण कराते जीव गोस्वामी पाद गोपाल चंपू ग्रंथ में वर्णन करते हैं मधुकंठ और स्निग्ध कंठ है, ये दोनों और लीला कथा श्रवण का और ब्रह्मा जी के ब्रह्म विमोहन लीला भी दिखाया है, ये भी कथा हम लोग श्रवण किया था। अर्थात वैकुंठ में द्वारपाल द जय और विजय चारों कुमारों के द्वारा अभिशप्त होकर के भौम जगत में आए हैं, तीन जन्मों के लिए उनको आना पड़ा, चार कुमार के द्वारा अभिशप्त हो गए सनक सनंदन सनातन सनत सनत कुमार, जब ये वैकुंठ के दात पर आ गए तो अभी जय विजय अभिशाप जय विजय उनको रोक दिया है। रोक देने से कुछ समय ये चारों कुमारों ने क्रोधित होकर के उनको अभिशाप दे दिया, तुम लोग मरते वैकुंठ जगत से अच्छा असुर जनिता, इसलिए वो लोग तीन जन्मों के लिए ही असुर जनि शिकार किया। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु और रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंडवक्र ये तीन जन्म और भगवान उसी प्रकार भी निसिंह रूप धारण करके हिरण्याक्ष और नृसिंहदेव और बराह रूप धारण करके उनको भी उद्धार किया, इसमें सब बनाने रामलीला में लोग क्या हो गया रावण कुंभकर्ण और कृष्ण लीला में शिशुपाल दंडवक्र है। इसी प्रकार भी कहते हैं फिर उसमें कृष्ण सुतवा की कथा भी हम लोग श्रवण किया और क्या नाम द्रोण और धरा की भी कथा श्रवण किया है। इसी प्रकार स्वयं भगवान भक्तों के इसी प्रकार विनोदन किया और ना जाने कितने कितने
उस रुके उन्होंने मार भी दिया, इसके पश्चात द्वारका भी लीला भी दर्शन कराया, तो मथुरा लीला द्वारका लीला प्रकाश की है। विशेष करके कृष्ण लीला राम लीला के साथ अधिक कनेक्टेड है, है? जैसे बहुत दिन तक दंडकारण्य ऋषि लोग गोपाल मंत्र आदि जप करके अपने स्वरूप की भी उपलब्धि करते हैं और भगवत दर्शन के लिए इतने तड़प नहीं करते, तो उसमें भगवान रामचंद्र दंड क्या बोले दंडकारण्य में वहीं पर गए, वन में गए और भगवान रामचंद्र के दर्शन करके वो लोग गोपी भाव में विवाहित होकर के भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़ गए। ऊपर से तो पुरुष शरीर है, है? किंतु उनके सिद्ध स्वरूप क्या था, गोपी स्वरूप है। और भगवान रामचंद्र कृष्ण के भांति है और रूप वर्ण आदि देख करके वो लोग दौड़ मिले, क्योंकि उद्दीपन हो गया ना। तब से भगवान रामचंद्र सर्वांतर्यामी ऋषियों की भाव माधुर्य देख करके कहने लगे, इस रामलीला में आप लोग मैं शिकार नहीं करता, क्योंकि रामलीला में एक पत्नी व्रतधार है, इसलिए उन्होंने कह दिया जी आप लोग मेरी जोग माया की कृपा से आप लोग ब्रज में गोपी गर्भ में और गोपी शरीर प्राप्त करो और मेरे नित्य सिद्धा है परिकर है राधा आदि गोपियों की संग प्राप्ति है। आज और फिर परक या भाव से मेरे राष्ट्रला में प्रवेश करोगे, इसके पश्चात वस्तु सिद्धि और आप लोग मैं नित्य गुरु वृंदावन में ले जाऊँ। देखो वृंदावन गुरु वृंदावन जाने में इतने काम करना पड़ेगा, वैकुंठ में जाए सहज रूप में चले जाए, है वैकुंठ में जाने के क्या करें, भगवत नाम कर लिया अनंत मुक्त हो गया चले जाएंगे, है प्रेम उत्पन्न हो जाए, जैसे अजामिल है परिश्रम करना होता, केवल नाम कर दिया बस हो गया, है नाम मंत्र आदि गंगा जल पान कर किया और फिर वैकुंठ में चले। किंतु वृंदावन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्सी भाड़ा करके बैठना है कि नहीं, वृंदावन जाने के लिए इतने परिश्रम करने पड़े, वृंदावन जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा है, पहले तो गोपी ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा, जब तक ब्रज में जन्म ग्रहण नहीं करे तब तक नहीं होगा, ब्रज में ही जन्म लेना ही पड़ेगा है। वृंदावन में जन्म, गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में जन्म, गोप कुमार भी कह रहे हैं है ये मेरा जन्म कहाँ हुई है गोवर्धन है, और फिर किस कुल में भी जन्म लेना पड़ेगा, कौन सा कुल में, आभीर कुल में जन्म ले, आभीर माने गोप कुल का है, ये जो काल वो श्लोक बोला था ना, क्या बोला, आभीर पल्ली है पतिपुत्र कंता तस्सा विलसिता पलाश्रवार सिरूप चिंता मनीषोक्ति संस्थुत मत्संत दुर्दंत हय सुरस्तं। अभी बोली जानी गोपो बोली आसन है, अभी बने गुप जाति
है जो केवल है गोपालन आदि करते हैं। वैश्य में भी कई प्रकार की विभाग दिखाए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्ण है। इसमें किस कुल में जन्म लेना पड़ेगा? वैश्य कुल, और वैश्य कुल में विशेष करके गोप जाति आभीर कुल है। ये आभीर पल्ली पतिपुत्र कमता दस्ता विलुषिता बलास्वभा सिरूप चिंता मणिशक्ति मत संत दुर्दांत। इस लोग याद किया है, इस लोग याद बहुत अच्छा। इसी कहते हैं राधा निष्ठ श्लोक है, मंजरी भाव प्राप्त, मंजरी भाव प्राप्ति करना है इस श्लोक को। ये कहते हैं आभीर पुल्ली पोति पुत्र कांता दशाभिलषिता विलास बलास्वाद सिरूप चिंता मणिसुप्ति मत्संत दुर्दंत ऐश्वर्य। इसलिए भगवान राम ग्रहण नहीं किया, यहाँ तो कि देखो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, भगवान उसको ग्रहण नहीं किया। कौन जो क्या बोले ये पत्नीगण क्या बोले, हाँ भगवान ने किया कि उनको, वो तो सब कुछ छोड़ करके चले गए हैं। जागिक ब्राह्मणों की जो है पत्नियाँ जो है सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास गए, बोले हम घर लौट करके नहीं जाएंगे, आपके पास रहूँगे हैं, वृंदावन में रहेंगे, और दो दिन वृंदावन के रुकता भाभी चल दौड़ना शुरू कर देते थे। वृंदावन में रहना, वृंदावन में रहना इतने सहज नहीं, बहुत कठिन है कि नहीं। एक फ्लैट ले लो, ऐसी कमरा आराम से रह, अरे वृंदावन पास हो रहा है, हो रहा है पता है। वृंदावन में रहना है तो बिना एसी रूम में तुम्हें रहना पड़ेगा है, आप बताओ तो फायदा क्या। दिल्ली में तो रह रहे अच्छी से, कह रहे हैं महाराज जी है वृंदावन में फ्लैट में लेता हूँ एसी रूम, पहले शुरू कर दिया अच्छी तरह। अच्छा बताओ तो वृंदावन पास थोड़ी होगा है, क्या बोल सकते हैं, पहले से योजना शुरू हो गया। कौन बोल रहे कल जी वृंदावन में रहे, वृंदावन वास इतने सहज नहीं है। हमारे गोस्वामी वर्ग वृंदावन में किस प्रकार रहते थे हैं, एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात्रि बिताते, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि जापन, कहाँ माधुकरी है आज विप्रगृह माधुकरी है। स्थूल जो माधुकरी ग्रहण करते थे आज नहीं, किंतु हम लोग पहले से सब कुछ क्या कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं है वृंदावन में रहेंगे कैसे रहना है क्या करें, तो वास्तव वो वृंदावन वास नहीं होता है। वृंदावन में रहने के लिए आपको कठोर त्याग वैराग्य आदि करना पड़ता है, वो तो शरीर साथ भी नहीं देगा, फिर कहो देगा है। एक दिन मच्छरदानी नहीं लगा, मच्छर आकर के तुम्हें काट दे। इसलिए वृंदावन वास बहुत कठिन है, दुर्लभ।
इसलिए कह रहे हैं ये वृंदावन में यानी इसके घर में क्या रहे आभीर पल्ली में जन्म लेना है। आभीरबल्ली दास आभीरबल्ली प्रतिपुत्र कंता दस्ताभी लजिता बलाश्वार सिरूप चिंता मुनिशक्ति संस्कृति मत संत दुर्दांत भय से रघुनाथ दास गोस्वाम के श्लोक है। इसलिए वो दंडकारण्य ऋषि लोग हजारों साल तक जो गोपाल मंत्र जप कर रहे थे उस गोपाल मंत्र के फल स्वरूप फल क्या हुआ उनके स्वरूप की उपलब्धि हुई। गोपाल मंत्र के कहा जाता है मंत्र राज कहा जाता है जितने मंत्र है समस्त मंत्र की राजा है मंत्र राज गोपाल मंत्र जी गोपाल मंत्र अथवा कृष्ण मंत्र जो मंत्र आप जप करते हैं प्रेम कृष्णाय गोविंदा ये मंत्र जप करते हैं ठीक से जप करते मंत्र हैं जप करते हैं कि नहीं ठीक से जप करो देखो धीरे 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 आत्मस्वरूप प्रकट है। इसलिए जनकपुर क्या बोले वो ऋषि लोग भगवान की जोगमाया की कृपा से गोपी गोपी गर्भ में जन्म और फिर गोपी गर्भ में जन्म लेना बोले है क्यों गोपी गोप अभिमान है गोपी अभिमान है जिस कुल में जन्म लेते हैं ना क्या है उस कुल का अभिमान है इसलिए ये भी अभिमान होनी चाहिए मैं गोपी ये भाव अभिमान फिर नित्य सिद्धा आदि गोपियों की संग भी करना पड़ेगा है केवल गोपी शरीर होने से भी नहीं होगा नित्य सिद्धा जो गोपियाँ जो है उनको संग करना होगा राधा आदि आदि उनके संग करना है। आज पूर्णा पुलिंद उड़ुगा श्री कुम कुमेन श्लोक में वर्णन किया उस समस्त क्या बोले क्या जंगल में जो रहते हैं आदिवासी लोग आदिवासी के साथ भी संग करना पड़ेगा और क्या है जाना पड़ेगा इतना सहज नहीं है कितना आप लोग सहज सोच रहे हैं है? क्या पूर्णा पुलिंद उरुगायो श्री कुमकुमेन वेणुगीत में श्लोक है कि नहीं वेणुगीत में श्लोक को श्लोक है टाइम भी जल्दी जा रहे हैं पहले श्लोक में बार बार मैं बोलता था वो सुंदर मिला है।
पूर्ण पुलिंद गुरुगाय श्री कुंभ कुमीन वैकृष्ण मंडिते से कौन से नंबर है नहीं भजन रस में है कि नहीं है पुलिंद उरुगाय पदाब्ज राग श्री कुमकुमेन दयिता स्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मरुर्य तृण रुजीर्षितेन लिम्पन्ति अनन कोचेषु जुहुस्तदादि इस श्लोक के पढ़ बहुत आनंद आ गया। भजन रस में देखो तो भजन में नहीं किया हाँ भागवत का तो वेणुगीत के श्लोक है ना भागवतम में उसमें होगा मीनिंग के साथ चाहिए
हाँ क्या बोला, पूर्णा पुलिंद उर्गाय श्री कुमकुमेन दैतास्तन मंडिते, वो समस्त ये पुलिंदी कन्या की भाप माधुर्य वर्णन कर रहे हैं। कौन एन, एन, संग राधा जी कह रही है भाव में विवाहित होकर महाभाव में स्थित होकर के राधा जी कह रही हैं, देखो ये आदिवासी पुलिंदी कन्याओं के सौभाग्य देखो, पूर्णा पुलिंद उर्ग श्री कुम कुमिन दैत स्तन मंडित प्रातः काल में वह समस्त पुलिंद कन्याएं जो है और क्या देखा, कुंज के बाहर जो घास है ना, और उस घास 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 सब क्या कुमकुम के द्वारा सुरंजित हो गया, और वो कुमकुम के देख करके देखो उनके हृदय में इतने उद्दीपन हो गया, वो कुमकुम के लेकर के अपने वक्षस्थल पर प्रलेप करने लगे। देखो पुलिंद रमणीय की पुलिंद रमणीय की कृतार्थ है, पुलिंद रमणीय ही कृतार्थ है। श्री कृष्ण के चरण कमल के प्रति राग रूपी जिस श्री कुमकुम के द्वारा श्री कृष्ण की प्रियतमाओं के स्तनमंडल रंजित हुए थे, वही कुमकुम प्रियतमा के साथ मिलने के उपरांत श्री कृष्ण के वन परिक्रमा के समय घास पर लग जा गया था, उसे देखकर ही पुलिंदी रमणीय काम पीड़ा से पीड़ित हो गई और वो तथा उस कुमकुम को घास से पोछ पोछ कर अपने तनों और मुख पर मल करके अपने हृदय की काम पीड़ा के शांत कर रही है, यह बहुत सौभाग्यशाली है। श्लोक बहुत सुंदर है, है? और एक श्लोक है नद्दस्तदा तदुपधाज्य मुकुंद गीतम, है ये दोनों बहुत उच्च कोटि के श्लोक है, महाभाव की स्थिति कहा जाता है, है? है? नद्दस्त नद्द नदी नद्दस्तदा तदुपधाज्य मुकुंद गीतम, नद्दस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्ष्मीतो मनोभवभग्न वेगा आलिंगन स्थगितम उर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादजुगलं कमलोपहारं गृह्णन्ति पदजुगलं
कमलोपहारा। कितने सुंदर श्लोक, इस श्लोक को याद करो है? भागवत वही बेनिफिट का है, 10, 21, 15 नंबर श्लोक। समय हो गया ना, दस दा, ये भी राधा जी की भाव व्यक्त हो रहे हैं। ये बेनिकृत में कुछ श्लोक जैसे संग राधा जी है महाभाव में स्थित होकर के कार्य है, क्योंकि ये बेनिकृत कुछ सखियां जो है एकत्रित होकर के अपने अपने जूथ में रह करके कीर्तन करेंगे, और कुछ श्लोक जो स्वयं राधा जी महाभाव में स्थित होकर के इस श्लोक को दिया। नद्दस तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्ष्मी तो मनोभव भगन बेगा आलिंगन स्थगित उर्मी भुजैर्मुरारी गृह्णन्ति पादजुगलं कमलोपहारा। वेणुगीत पढ़ो, बहुत आनंद आए। एक बार केवल वेणुगीत पाठ किया था मैंने, डिस्टर्ब कर रहे वो उनके घर में, बेरी जी के घर में 5 दिन और 7 दिन, 5 दिन केवल वेणुगीत। हंताय अद्रीय बोला हरिदास वर्जो जग राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सह गोपगणयोस्तयोर्जत् पानीय सुजवश कंदर कंदमूलये। महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में गए, जगन्नाथ जी मंदिर को जगन्नाथ जी के दर्शन करके महाप्रभु भाव में अभिष्ट हो है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे अपने को राधा मान है, अपने की राधा भावे रहे अनुक्रम अनुक्रम सर्वदा अपने मैं राधा हूँ। और जगन्नाथ जी के स्वयं ब्रजनंदन श्याम सुंदर ये भाव में स्थित के दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु जी इतने लंबे थे, अपने हाथ में है 4 हाथ महाप्रभु अपने हाथ से 4 हाथ थे इतने लंबे, और हजारों लोग जो है महाप्रभु के सामने खड़े हुए थे, इसलिए महाप्रभु बिल्कुल पीछे जाकर गुरु स्तंभ था, फिर गुरु स्तंभ के पीछे है दीवार पर खड़े हो दीवार के सहारा देते हुए हैं, और महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करे भाव में इतने महाप्रभु अभिष्ट हो गए हैं। देखो महाप्रभु की क्या बोले, नीचे जो पत्थर जो है वो भी द्रवीभूत हो गया है, आज पत्थर द्रवीभूत हो गया, जिसे चैतन्य महाप्रभु की आज तक भी वो चरण चिन्ह बाहर देखा ना जगन्नाथपुरी गए देखे, और महाप्रभु के हाथ द्वार पर लगा हुआ था है, दो उंगली जो आप देखें कितने
वो निशान अभी तक है। और ऐसे चैतन्य महापुरुष दर्शन करें और ना जाने किस भाव में अभिष्ट होकर के महापुरुष ये समस्त कीर्तन करते जाएं, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत है, विरह की जय, ऐसे भाव में है। इतने समय एक अधिवर्षा रमणी है, अधिवर्षा रमणी स्त्री जो है वृद्धा थी, उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन कर नहीं पा रहे हो, बहुत लोग सामने है ना, कैसे है? तो इतने वो उत्कंठी थे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए है, महाप्रभु खड़े हुए थे और महाप्रभु ऐसे हाथ रखे ना, महाप्रभु के हाथ के ऊपर पैर रख करके वे छलांग लगाई और महाप्रभु के कान पर खड़े हुए हैं और खड़े होकर ठाकुर जी के दर्शन करने लगे। इतने समय महाप्रभु के पास स्वरूप दामोदर भक्त लोग थे, अरे बुढ़िया क्या कर रही है, नीचे उतर देखो। इतने समय महाप्रभु के भावांतर है, भाव नीचे आए और महाप्रभु कहने के देखो इनके डिस्टर्ब मत करो है, अधिवर्षा रमणी देखो इनके भगवत दर्शन में कितना उत्कंठा है, कहाँ मैं सन्नासी और मुझे साधारण एक सोचते रहे पत्थर पर कोई ऐसे कुछ लगा हुआ है और उसके ऊपर चढ़ गए, महाप्रभु के कान पर चढ़ करके ठगे महाप्रभु ने इसको उतार देखो कैसे महापुरुष स्वयं कर रहे हैं। देखो ये आदिवासी जन इनके भाव क्या है, इसलिए ब्रज में जब तक ऐसे जन्म नहीं हो है? और ब्रज में कहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा, आधीर आहिर के घर, और वो भी कैसी होनी चाहिए है? अधिवर्ष है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ वैश्य भी कई प्रकार के वैश्य होते हैं, वैश्य लोग कई प्रकार होते हैं, कितने होता है, कुछ कृषि कार्य आदि करते हैं है? कोई वो क्या बोले पैसा लोगों के जो ये देते हैं उधार देते हैं है? कुसित का जो उसके करे सूद आदि देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं है कि नहीं, और कुछ जो है हाँ क्या बोलते हैं केवल गोचारण आदि कर है ये समझते हैं। इसे किस घर में जन्म लेना, आहिर कुल है, नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे लिखा आहिर कुले जन्म, भक्तिमान ठाकुर तो थोड़ा मार्जित करके लेते हैं, क्या बोले विश्वभानु पूरे न देखिते देखिते भूली बाबा कबे निज स्थूल परिचय हरे नयने हेरिब ब्रजपुर शोभा नित्य चिदानंदमय देखिते देखिते भूली बाबा कबे निज स्थूल परिचय है, स्थूल परिचय के भूलना पड़ेगा है, ये जो स्थूल परिचय देखी थी मतलब क्या है, मैंने भजन करते करते श्रद्धा सत्संग भजन क्रिया उनकी निष्ठा रुचि थी और निष्ठा रुचि आसक्ति इसका भाव दशा में जल गया है, देहात्माभिमान कब चला जाता है आसक्ति के पश्चात, जब तक साधक आसक्ति में नहीं जाए तब तक देहात्माभिमान नहीं जाते है, और भाव दशा में जाते पर फिर चले जाए है, और प्रेम दशा में जाकर के हाँ आसक्ति भाव प्रेम दशा के पूर्व ये हो जाती है, आतंतिकता हो जाती है,
है अत्यंत की दशा का है ना। क्या क्या बताया तुमसे एकादशी वर्तिनी बहुदशी वर्तिनी प्राय की पूर्णा और अत्यंत एक दिन में थोड़ी हो जाएगी है। चाहते तो हूँ किंतु क्या बोले चोंच तो इतना छोटा है और सारा समुद्र के जल पीना चाहते हो। अरे गरुड़ पक्षी तो बनो है, गरुड़ क्या कर सकते हैं, सारे समुद्र के जल पान कर लेते हैं। भक्तिशांत प्रभुपाद ने एक सुंदर उदाहरण दिया, एक समुद्र के तट पर जो है एक पक्षी जो है घोंसला बनाया और उसमें एक अंडा दे दिया तो समुद्र के जो लहरियां जो है धीरे 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 उसके घोंसले की तरफ आए हैं। तो एक दिन क्या हुई ना, समुद्र की लहरियां जो है जल थोड़ा बढ़ने लगे और उसके वो घोंसले और उसके अंडा के लेकर के अंदर चले, समुद्र की तरफ चले। तो अब वो पक्षी जो है रोने लगे, उसके रोना देख करके फिर दूसरी लहर आई समुद्र की लहर और उसके घोंसले और उसके अंडा को दब लिया। तब वो पक्षी कहने लगे देखो समुद्र मुझे कैसे कितने डरते हैं, अहंकार करने जब मेरा अंडा को ले लिया फिर अंडे को वापस दे दिया है। समुद्र बोले मूर्ख तुमको कृपा करके मैं दिया, तुमसे मैं डरता हूँ है। तो फिर तीसरी लहर रही उसको लेकर के अंडे को लेकर के, अभी क्या करे रोने लगे है अंडे। तब उन्होंने किया कि क्या कर जाए, कोई संत महात्मा मिले तो उनके कहने देखो एक काम करो तुम पक्षी जाति हो और पक्षी जाति गरुड़ के पास जाओ वो तुम्हें सहायता करे। तो अब वो गरुड़ जी के पास गए, अपनी सारी कथा सुनाए। गरुड़ जी आकर के समुद्र के कहा ये समुद्र तुम उसके अंडे के जो है वापिस दे दो, समुद्र का मैं नहीं दे। तो गरुड़ ने क्या किया, गरुड़ बोले मैं तो तुम्हारे सारे जल को मैं पी चुकी हूँ किंतु मैं नहीं देता, मैं अगस्त ऋषि के पास। गरुड़ ने किया कि अगस्त ऋषि को बुलाए और अगस्त ऋषि सारे समुद्र के जल को पी, जब पीने लगे तो समुद्र भयभीत हो गए और समुद्र भयभीत हो करके वो उनके अंडे को वापिस दिए। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है जी उसी प्रकार जिस प्रकार पक्षी गरुड़ कुल में जन्म लिया और गरुड़ के साथ अति सहज रूप में मित्रता है सुन, इसलिए आभीर कुल में जन्म लेने से क्या होता है, स्वाभाविक रूप में राधा आदि गोपियों के साथ संजो हो जाता है, मिलन है कि नहीं, तो ये दिखा दिया। इसलिए आभीर कुल में जन्म, इसलिए कहते विश्वभानु पूरे जन्म लो वो क्या बोले जावटे विवाह हो गए भक्तों ढगन है। देखते देखते भली बाबा कवि निज सूल पोरी चय ब्रजपुर शोभा नयने हेरब चिदानंदमय धाम।
शेर कहते ब्रजगोपी भाव वही वे स्वभाव अन भाव ना रही है। एक ही भाव रखना पड़ेगा, कौन सा भाव? ब्रजगोपी भाव वही वे स्वभाव अन भाव ना रही है, स्वाभाविक रूप में कहाँ जा, तो फिर कहाँ जन्म लेना पड़ेगा है? ब्रज में है? और कहाँ पर? अभीर कुरु ना, मैंने वो श्लोक जी बोला था, अभीर पल्ली पतिपुत्र कमता है, ये समस्त भाव व्यक्त होती है। गोपी शरीर जब तक नहीं हो तब तक कृष्ण शिकार नहीं करेंगे है। ब्राह्मणीय तो सब आ गई, किंतु भगवान ने उसके समझा बुझा करके वापिस भेज दिया, गोपियों की समझा बुझा है वापिस जाने के लिए, किंतु गोपियाँ गई। स्वयं कृष्ण उनके शिकार किया, फिर उनके साथ रास दिया है, याद रखना पड़ेगा। तब तो फिर धीरे धीरे कृष्ण के प्रति प्रकार निष्ठा हो, अनुराग जन्म। जब तक अनुराग नहीं हो भगवान भी ग्रहण नहीं करते है। अनुराग के क्या लक्षण कहा जाता, याद है, परस्परान स्नेहानुबंधनम और दर्शने अतृप्तता है। भगवत भगवान के दर्शन करके तृप्त नहीं होते है। नारद ऋषि भी तो यही पर मांगा था प्रभु जी भगवान से, ये प्रभु आपके लीला ललाम भूमि में जाऊं है, धूल के स्पर्श करो, धूल के प्रणाम करो है। और क्या बताया था, आपके लीला कथा को श्रवण करते रहो, श्रवण कीर्तन आदि, और श्रवण कीर्तन आदि करके कभी प्रसन्न, ये क्या बोले, तृप्त न, ये तृप्ति हो गया तब समझना चाहिए नहीं है, जितना है उतना ही और है प्राप्ति है। आज इसलिए ब्रज में रह करके भजन कर, ब्रज करी वास ये निखिल जापन करो, ब्रज में रह करके भजन है। आज लेकिन ये सब तजिया कभी, ये सब तजिया कभी जब वृंदावन है, सब कुछ छोड़ करके हम कब वृंदावन जाएंगे, और वृंदावन में ये समस्त भाव उत्पन्न होता है कि नहीं? वृंदावन जाओ देखो कितने सुंदर भाव आ गए हैं, जमुना की किनारे में रह रही, कहाँ रही थी आप हैं, इमली तला में हैं, कितना सुंदर स्थान है। चैतन्य महाप्रभु हैं आकर के कहाँ रहते थे, अक्रूर घाट पर रहते थे है? क्योंकि उस समय वृंदावन बहुत बिहर जंगल था, चोर डकैत बदमाश भी था है, सांप आदि सब रहता था उस समय। आज जो वृंदावन देख रहे हैं, आज से 500 साल पहले वो वृंदावन है, आज वृंदावन में कितने अंतर हो गए है। धीरे धीरे कुछ साल के, 10-20 साल के, 50 साल के बाद वो वृंदावन वृंदावन नहीं रहेगा, वृंदावन तो बिल्कुल क्या हो जाएगा है, एक शहर बन जाएगा है। आज तो वृंदावन में तो पेड़ है ही नहीं है, कहाँ पेड़ है बताओ है। जो वृंदावन की जो चित्र हम शास्त्र में दिखाया गया, वर्णन किया गया, वो वृंदावन है ही नहीं। बड़े बड़े बिरलार जो है बैठ गए है, 2 मंजिल 4 मंजिल 6 मंजिल ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बना रहे हैं, किंतु भागवत के अनुसार जो वृंदावन वर्णन होता है कितना सुंदर,
चलो हमें जी करें चैतन्य महाप्रभु अकुल घाट पर रहते आज, और वहीं से पैदल पैदल एक इमली तला में है वहाँ पर जमुना किनारे में बैठ करके है बैठ है। और वो ऐसे कभी कभी चैतन्य महाप्रभु भाव में आविष्ट हो जाते है, छलांग लगा देते पानी है जमुना की जल, और दो तीन घंटे कितने घंटे चैतन्य महाप्रभु पानी में रह जाते इतने देर से, और ये समस्त लीला आदि स्मरण करते थे। उसी की कहा जाता है, वास्तव उसी की कहा जाता है वृंदावन वास। वृंदावन में रह करके वास, केवल वृंदावन की भावना चिंता, वेणुगीत गोपी गीत भ्रमर गीत है जुगल गीत, नाम सुना कि नहीं जुगल गीत पढ़ा कभी है, जुगल गीत पढ़ो बहुत सुंदर है, दो दो श्लोक में वो वेणुगीत के भांति गीत की, हाँ भागवत में सब गीत है, पांच गीत को विशेष करके अध्ययन करना चाहिए है। कौन कौन गीत? पहले वेणुगीत है ना, पूर्वराग यहाँ पर शुरू हो जाता है वेणुगीत है, वेणुगीत वेणुगीत के बाद क्या गीत? जुगल गीत, जुगल गीत के बाद गोपी गीत, गोपी गीत के बाद हैं प्रणय गीत, जुगल गीत हाँ इसके बाद भ्रमर गीत हैं, यहाँ तक बात हो गया। और क्या करते हैं? और अनेकों गीत है, जैसे इला गीत, अनेक तो गीत है, किंतु एक जो पंचगीत जो है विशेष प्रसिद्ध है। गोपी गीत तो है ही, अच्छा और मैं पा गया। फिर धीरे धीरे तो राधा जी के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा है, इसी कर भक्तेन भक्तेन कृष्ण चरणेन करोमि चार्ति राधा पदाम्बुज रज कन साहसेन तस्साद्रिगंचद विशेष वित्ता दैवादयं मयि करिष्यसि दासी बुद्धिम्। कितना सुंदर श्लोक है, भक्ति न कृष्ण चरणे न करोमि चार्ति है। कोई पदकर्ता कह रहे हैं जी, कृष्ण के चरण में मेरा इतना अनुराग नहीं है, आरती नहीं है ये मैं भक्ति करूँ, इसलिए भक्ति न कृष्ण चरणे न करोमि आरती है। राधा पदम बुजो रजकन साहसेन, मेरा जो एक मत राधा जी के चरण कमल की एक धूल मुझे प्राप्ति हो जाए है, ये कहता है राधा पदम बुजो रजकन साहसेन तस्दिगंचल विशेष वित्ता दैवादयमयी कृष्णसिदासी बुद्धिम। यदि किसी प्रकार से श्रीमती राधिका मुझे अपने चरण कमल की दासी ग्रहण कर दे, अर्थात श्रीमती राधिका मुझे दासी रूप में स्वीकार कर ले, उसी बल पर है मैं कृष्ण की जो है तुच्छ मानता हूँ। तस्य दिगांचल विशेष वित्ता दैवात अयं मयि करिष्यसि दासी बुद्धिम्। ये मंजरी भाव की विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे, राधा जी की प्रकार प्रगाढ़ निष्ठा है आज, क्योंकि निष्ठा ही क्या करते हैं हमें धीरे धीरे वो मंजरी भाव तक तो पहुंचा देता है।
नाम निष्ठा, भजन निष्ठा है, गुरु निष्ठा है, धाम निष्ठा, ये समस्त निष्ठा ही है मंजरी भाव की प्रकाष्ठा अधिकार है। इसलिए कह भक्ति न कृष्ण चरण न करोमी आरती, राधा पदम मुझो रजकन साहसेन, राधे की चरण कमल की एक धूल है मुझे प्राप्ति हो गया है। तस्य दृगांचल विशेष वित्त है, और उसी की जो है उनकी नजरों की है एक विशेष जो क्रिया जो अनुभव है। इसलिए तस्य दृगांचल विशेष वित्त दैवादयंगमयी करिष्यसि दासी बुद्धिम, बहुत सुंदर है। करना करने न सखी जन बीज बीज दुति स्तुति प्रक्रिया पुर्तु वंचना चातुर गुणनिका गुणनिका कुंज प्रयाणे निशि बाधीर्ज गुरुवाची बेनु वृत्त उत्कर्णन तीव्रवा तीव्रतान कैसरेण तवाद्य कृष्ण गुरु न गौरी गण पठते। ये श्लोक किसने रचना की? भक्ति रसाम दर्शन जो के श्लोक है रूप दर्शन करना कर्ण सखी जन विजन स्तुति स्तुति प्रक्रिया है पुत्रवंचना चातु गुणनिका कुंज प्रयाणी निशि बाधीर्च गुरु वेणु गुरुता उत्कर्ण तीव्रतान कौशन तवाद कृष्ण गुरुना गौरी गण पठते। एक बार कृष्ण गोचार राधाकुंड के समीप में गोचारण कर रहे थे, गाय चरा रहे। इतने समय राधा जी इतने समय कृष्ण क्या देखा, पूर्णमासी देवी आ गई। पूर्णमासी देवी के देख करके कृष्ण कुछ आश्चर्य हो गए, ये ब्रज में कुछ न कुछ है खुरापात आ गई। क्योंकि जहाँ जब जब ब्रज में खुरापात हो जाता बुरात बने ऐसे कोई अशुभ आशंक आ जाता है, तो उस समय पूर्णमासी देवी कृष्ण जहाँ पर रहते हैं ना वहीं पर पहुँच जाते हैं और उनके कृष्ण के समाचार देती है। तो पूर्णमासी देवी के आते हुए देख करके कृष्ण विचार करने लगे ये ब्रज में कौन सा असुर आ गया है, मन मन विचार करने लगे क्यों पूर्णमासी देवी आ रही। कृष्ण कृष्ण की सबसे चिंता किसके ऊपर रहता है, राधा जी गोपियों के ऊपर। जैसे इस संसार में हम चिंतन किसको करते हैं, जिसका हम प्रियजन है उसकी चिंता अधिक करते हैं कि नहीं। जिसके प्रति जितना ही प्रति होगा वो उतना ही उसके प्रति चिंतन कर, और उतना प्रति अनिष्ट आशंका उनके हृदय में हो जाता। अनिष्ट आशंका, अनिष्ट चिंता आशंका आ जाता है। कुछ हुआ ही नहीं तथापि सोचते हैं जैसे कुछ हो गया है। ऐसा नहीं, प्रेम की ही लक्षण कहा जाता है। जिसके हृदय में जितना ही प्रेम प्रति उत्पन्न हो जाता है वो उतना ही अपने प्रियजन के प्रति उतना ही अनिष्ट आशंका आदि करते हैं। आज प्रेम में भी दो प्रकार है क्या, इष्ट है, इष्ट वस्तु में उतना ही क्या होता नहीं अनिष्ट चिंता हो जाती है, ये हो जाए अनिष्ट आशंका नाम है मित्र ही वचिंत
लक्षणम, जिसके साथ जितने आपकी मित्रता, घनिष्ठ मित्रता होगा है, और उनके प्रति उतना ही क्या होता है, चिंतित होता है। कौन सा चिंतन होता है? अनिष्ट, माने उनके कई ऐसे थे, मानो जैसे उदाहरण दे, आपके बच्चा स्कूल गए हैं, हर रोज 4 बजे आ जाते हैं, किंतु किसी कारण से वो बालक दी 4 बजे नहीं आए, तो आपके मन क्या होता है, अनिष्ट चिंतन आ जाता, अशुभन चिंतन आ जाता है, क्या मेरा बालक की जो है बुखार हो गया है, हैं किडनैप किडनैप करके ले गया ना, क्या क्या चिंतन हो जाए है। कुछ नहीं है, स्कूल छुट्टी होने के बाद आपके बालक क्या है, ठीक बिल्कुल आपके घर के पास जो पार्क है वहीं पर वो अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, किंतु आप कितने निश्चित चिंतन कर रहे, बार बार घर से घर के अंदर बाहर जा रहे ये बालक को है, इसलिए समस्त प्रीति के लक्षण का है। ठीक उसी प्रकार ये समस्त क्या है, निष्ठा होता है, निष्ठा होती है उपजय प्रेमेर तरंग, तरंग बने लहर, प्रेम की लहरियाँ कब बजे, जितने भी निष्ठा बढ़ती जाएगी है, वैधी मार्ग में निष्ठा से प्रारंभ हो जाता है, राग मार्ग में कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, रुचि से है। आज निष्ठा बुद्धिपूर्वी का होती है, और आसक्ति ये रुचि स्वाभाविक है, ऐसा क्या के बोला, इसलिए भक्ति दो प्रकार के, वैधि भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, जिसके जैसे भक्ति उत्पन्न उसी तरफ चले जाते हैं, वैधि भक्ति वैधि विधि के पालन करते हुए चले जाते, उसी प्रकार साधु संग भी उसके अच्छा लगता है, है? लगे कि नहीं, जो जैसे व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति के संग अच्छा लगता है। एक राजनेता किसके संग करता है, राजनेता के संग, पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन मिलता रहता है, है? तो चलो हाँ क्या बोल रहा था, निष्ठा हुई थे उपजय दंडवत, सब कुशल है, निष्ठा हुई थे उपजय प्रेमेर तरंग, प्रेमेर तरंग चैतन्य चैतन्य पढ़ो प्यार लिख करके रखो, क्या बोला, निष्ठा हुई थे उपजय प्रेमेर तरंग, माने लहर, प्रेम की लहरियां तब दे दी जाए, समय हो गया, चलो मैं तो करना करण सख जन विजन चतुस्तुति प्रक्रिया पुर्तुर्वंचना चातुरी गुणनिका कुंज प्रयाणे निशे बाधिर्ज गुरु बाजे वेणु विरुद्ध उत्कर्ण तीव्रतान ओसरेण तवाद कृष्ण। ये भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक है, चलो 7 बजे बंद करते आप कर, ये कीर्तन नहीं हो है, कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 रा